हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटीसी टूर्स चैनल। मैं कुंदन, आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इवेंट हैंडलिंग का ही प्रोग्राम आउटर क्लास के द्वारा। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में कि इवेंट हैंडलिंग तीन तरीके से किया जा सकता है। एक, इंप्लीमेंटिंग लिसनर इन सेम क्लास, और इंप्लीमेंटिंग लिसनर इन आउटर क्लास, और एनोनिमस के द्वारा। तो ये दूसरा है, पिछला वीडियो मैंने आपको बता दिया है। पहला जो मेथड है ये सेकेंड पार्ट है ना, जिसमें आउटर क्लास की मदद से हम लोग इवेंट हैंडलिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों क्लासेस में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। ऑब्जेक्टिव में एक प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे जहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का ही जो पिछला वीडियो का प्रोग्राम था, उसी वीडियो को, उसी प्रोग्राम को हम लोग एक नए तरीके से बनाएंगे, जिसमें इवेंट लिसनर का जो इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम लोग अदर क्लास में। पिछला जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाया था उसमें सेम क्लास में हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। तो आउटर क्लास से कैसे ये काम होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो अच्छे से जरूर देखिए। सबसे पहले जो पैकेज इम्पोर्ट करना है वो तो करेंगे ही, ये सारा काम बिल्कुल सेम टू सेम होगा। टेक्स्ट फील्ड और बटन दो कंपोनेंट लिया ऊपर में, यहाँ पे क्लास में फ्रेम को एक्सटेंड किया है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर कंपोनेंट्स के ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, और बॉन्ड सेट करेंगे। और रजिस्टर लिसनर बनाने समय याद रखिएगा, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट, जिसमें इस फ्रेम क्लास का ऑब्जेक्ट पास करेंगे। दिस का मतलब हुआ ये जो क्लास है जो फ्रेम एक्सटेंड हो रहा है उसका हम लोग एड्रेस यहाँ से भेज रहे हैं, है ना, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेज रहे हैं। और ये जो आउटर क्लास आप देख रहे हैं, इस आउटर क्लास को हम लोग बनाएंगे और उसी के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे लिसनर इंटरफेस को, और इवेंट हैंडलर मेथड को ओवरराइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, ये आप ध्यान देना, मैं आपको अब आगे बताऊंगा कि कैसे आउटर का ऑब्जेक्ट ये क्लास बनाना है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पे रजिस्टर करना होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रजिस्टर किया था, डायरेक्ट रजिस्टर किया था, क्योंकि सेम क्लास में इंप्लीमेंट हुआ था लिसनर। यहाँ पे आउटर क्लास में लिसनर इंप्लीमेंट होगा, इसलिए आउटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और रजिस्टर करने समय आउटर का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, पासिंग आउटर क्लास इंस्टंस, है ना। तो ये दो लाइन आपको ध्यान में रखना है, ये हाइलाइटेड पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जिस क्लास यानी जो आउटर क्लास में इम्प्लीमेंट हो रहा है लिसनर, उसका ऑब्जेक्ट बनाना है। और चूंकि इसी फ्रेम के ऊपर हमको इवेंट हैंडलिंग करना है, तो इस फ्रेम जो क्लास इनहेरिट कर रहा है उसका रेफरेंस यहाँ से भेज देना आउटर में। और रजिस्ट्रेशन करने समय, जब हम रजिस्टर कर रहे हैं लिसनर को, उस समय आउटर का ऑब्जेक्ट पास कर देना है, ठीक है। तो ये काम है मेन, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको बताता हूँ, कंपोनेंट्स को ऐड करना है, फ्रेम की साइज सेट करनी है, सेट लेआउट नल करना है, सेट विजिबल ट्रू करना है, ठीक है। उसके बाद मेन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना है जिससे कि वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए। तो ये हो गया एक क्लास जिसके अंदर फ्रेम बना रहे हैं और सारे कंपोनेंट्स की काम हो रही है, और एक क्लास बनाना है आउटर, जो मैंने बताया आपको कि रजिस्ट्रेशन करने समय जरूरी है। तो आउटर क्लास बनाना है आपको, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, आउटर कोई जरूरी नहीं है। आउटर मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जो क्लास ऊपर में डिफाइन है उसके बाहर उस क्लास के अलावा भी एक क्लास बनेगा, है ना, और वहाँ पे एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट्स करना है, ठीक है। और इम्प्लीमेंट्स करने समय एक कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हम लोग को जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है, तो ऊपर जो हमारा क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में लेंगे, जो कि वहाँ पे आपने देखा होगा दिस पास किया था हम लोगों ने आउटर का ऑब्जेक्ट बनाने समय, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देंगे जिससे कि इसके ऊपर काम किया जा सके, ठीक है। और एक्शन परफॉर्म मेथड डिफाइन करेंगे, और एक्शन परफॉर्म के मेथड के अंदर इस ऑब्जेक्ट का यूज करके जिस फ्रेम पे इवेंट हैंडलिंग करना है उसका ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट की मदद से उसके टेक्स्ट फील्ड में सेट टेक्स्ट वेलकम कर देंगे, है ना। तो देखो यहाँ पे आउटर क्लास के ऊपर कोई कंपोनेंट नहीं है, कंपोनेंट कहाँ है, ES डेमो 2 के ऊपर, है ना। तो उसके टेक्स्ट फील्ड के को सेट टेक्स्ट कर देना है वेलकम से, कब, जब उसके बटन पे क्लिक हो, और बटन को भी रजिस्टर हम लोग कर चुके हैं जहां पे आउटर का ऑब्जेक्ट पास किए थे। तो ये कोड है, आई थिंक आपको समझ में आया हो। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ, और प्रोग्राम को भी रन करके देखते हैं। इससे पहले कि प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग चलें, अगर आप नए यूजर हैं, पहली बार हमारे वीडियो इस चैनल को देख रहे हैं, चाहते हैं जुड़ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। साथ में पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रैक्टिकल क्लास में चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं लिसनर इंटरफेस विद द आउटर क्लास।
वेलकम टू प्रैक्टिकल क्लास ऑफ दिस वीडियो। देखिए आज इस वीडियो में हम लोग को जो डिस्कस करना है इवेंट हैंडलिंग का ही प्रोग्राम डिस्कस करना है जो पिछले वीडियो में हम लोग बनाए थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि सेम क्लास में ही इम्प्लीमेंट्स किया था लिसनर को, लेकिन आज इस क्लास में हम लोगों को क्या करना है, इस प्रोग्राम में दूसरा क्लास बनाना है और उसमें इम्प्लीमेंट करना है और वहाँ से इवेंट हैंडलिंग करना है। ठीक है, तो देखो कंपोनेंट लेवल का जो काम है यानी AWT का काम जो है इवेंट हैंडलिंग के अलावा जो काम है वो मैंने यहाँ पे कर दिया है। मैं आपको एक बार रन करके ये प्रोग्राम दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इवेंट हैंडलिंग का कोई काम अभी नहीं हो रहा है, यहाँ पे केवल कंपोनेंट लेवल का काम हुआ है जिसमें इंटरफेस बना और बटन है, टेक्स्ट फील्ड है, फ्रेम है, तो इस पर क्लिक करने पर यहाँ पर वेलकम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सेम प्रोग्राम है, क्लिक करने पर यहाँ वेलकम आना चाहिए। इस काम को हम लोग इवेंट हैंडलिंग आउटर क्लास के द्वारा करेंगे, तो क्या क्या चेंजेज होंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले इम्पोर्ट जावा डॉट AWT डॉट इवेंट जो इंटरफेस है उसको यहाँ पे इम्पोर्ट करेंगे, जो पैकेज है उसको इम्पोर्ट करेंगे। और देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उसके लिए अलग क्लास बनाना है। तो पहले मैं आपको क्लास बना के ही दिखा देता हूँ यहाँ पे, या पहले आप ये रजिस्टर करना है। यहाँ पर रजिस्टर करने समय क्या करना है, मान लेते हैं कि आउटर हमारा वो क्लास होगा जिसके अंदर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शन लिसनर को, तो उस आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेना है। और ऑब्जेक्ट बनाने समय सेम क्लास का जिसके अंदर फ्रेम इम्प्लीमेंट हो रहा है ना, वो उसका रेफरेंस यहाँ से भेजना है, जिससे कि उस रेफरेंस की मदद से इसके ऊपर कंपोनेंट पे इवेंट हैंडलिंग हो सके। ठीक है, और देखो यहाँ पे रजिस्टर करना है बटन पे क्लिक करने पे, तो बटन का ऑब्जेक्ट डॉट एड एक्शन लिसनर, मेथड वही रहेगा केवल रेफरेंस बदल जाएगा एक्शन लिसनर, और यहाँ पे आउटर का ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जिससे कि वो उससे रजिस्टर्ड हो जाए। ठीक है, ये दोनों कोड समझ में आया आपको। अब ये आउटर क्लास बनाना है और इसके अंदर ही इवेंट हैंडलिंग करनी है। ठीक है, तो आउटर क्लास इस क्लास के बाहर बनेगा, आउटर कोई भी नाम दे सकते हैं आप। यहां पे इंप्लीमेंट करना है एक्शन लिसनर को, जो काम पहले उस सेम क्लास में करते थे उस काम को अब उस क्लास के बाहर कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है इसमें। तो यहां पे करना क्या है कि जो ऊपर वाला जो प्रोग्राम जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट रखना है ना, जिससे कि उसके ऊपर कोई काम कर इवेंट हैंडलिंग के समय करना हो तो कर सकें। और वो ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो आउटर के कंस्ट्रक्टर से मिलेगा। आउटर के कंस्ट्रक्टर में हम लोग उसका ऑब्जेक्ट एज ए रेफरेंस लेंगे, जो ऊपर में पास भी किए हैं दिस, यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे स्टोर कर देंगे। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में रेफरेंस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, उसके अलावा एक मेथड ओवरराइड करना है, वो है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म, क्योंकि एक्शन लिसनर इसी क्लास में इंप्लीमेंट हुआ है तो इसी क्लास में एक्शन परफॉर्म भी होगा, जो कि एक्शन इवेंट पे कॉल होगा अपने आप। जब बटन पे क्लिक होगा तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर कौन सा काम करना है, तो वेलकम टेक्स्ट फील्ड में, टेक्स्ट फील्ड में वेलकम मैसेज लिखना है। तो टेक्स्ट फील्ड किसका है, इसका है, और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हुए हैं यहाँ पे, तो उस ऑब्जेक्ट की मदद से, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस की मदद से टेक्स्ट फील्ड को एक्सेस करेंगे और टेक्स्ट फील्ड के ऑब्जेक्ट से उसका एक मेथड है सेट टेक्स्ट, उसको कॉल करेंगे और उसके अंदर वेलकम मैसेज हम लोग लिखवा देंगे। ठीक है, सेट कर देंगे। तो ये काम हम लोगों ने आउटर के थ्रू कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। यहाँ से हमने आउटर का ऑब्जेक्ट बनाने समय रेफरेंस भेजा दिस की मदद से, वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिसीव हुआ, उसको हमने यहाँ रखा और उसी की मदद से हम लोग एक्शन परफॉर्म में इवेंट हैंडलिंग किए। ठीक है, और बटन हमारा रजिस्टर्ड हुआ है आउटर के ऑब्जेक्ट से, वो आप देख लीजिए, क्योंकि ये इम्प्लीमेंट आउटर में हो रहा है इसलिए वहाँ पे उसका रेफरेंस पास किए थे पिछले क्लास में, पिछले प्रोग्राम में यहाँ पे दिस पास किए थे केवल,
यहाँ पे ये दो लाइन लिखना पड़ेगा आपको। आई थिंक आपको ये प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ एक बार इवेंट हैंडलिंग हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ एरर है, कैनॉट फाइंड सिंबल, ईएच डेमो टू होगा, ईएच डेमो टू, क्योंकि क्लास का नाम ईएच डेमो टू है। यहाँ पे कंपाइल हो गया, रन करके देखते हैं, ये इसका कोड है, ये इसका आउटपुट है, ठीक है। अब देखिए इसके क्लिक पे वेलकम आ गया, इसका मतलब हमारा ये मेथड काम कर रहा है, देखिए आ गया। तो कैसे आया वो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे और पिछले प्रोग्राम में डिफरेंस यही है कि हमने सेम क्लास में एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट किया था, सेम क्लास में एक्शन परफॉर्म्ड को ओवरराइड किया था। यहाँ पे क्या किए हैं, दूसरा क्लास बनाया है आउटर, अदर क्लास है आउटर, और बाहर में ही सारा काम हो रहा है, केवल उसके रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्रोग्राम था जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हो सकता है कि आपके कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई हो। तो कोई भी इस प्रोग्राम में इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ आपका अगर छूट रहा है तो वो आप पूछ लीजिए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, साथ में बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, थैंक यू, बाय बाय।